तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी विदेश गए थे और यहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान देश के जो मौजूदा स्थिति है उस पर उन्होंने चर्चा की थी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो वित्तीय क्षेत्र हो, इकोनॉमिक क्षेत्र हो, और इसको लेकर उन्होंने जो जो अपनी बातें रखी हैं एक बड़े मंच पर, उन बयानों को लेकर अब देश के अंदर इनके बयानों की निंदा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि देश के बाहर भारत होता है, बीजेपी या कांग्रेस नहीं होता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें कही हैं वो सीधे तौर पर राष्ट्र विरोधी बातें हैं, ऐसा कहना है बीजेपी का। दुर्ग में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। राष्ट्र विरोधी बयान के चलते ये कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है और इसके चलते सिखों की धार्मिक भावना ठेस पहुंची है, जो उन्होंने बयान दिए हैं एक विशेष समुदाय को लेकर, और अब FIR दर्ज करवाई गई है। रायपुर में भी राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बीजेपी के नेता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। अमरजीत छाबड़ा की शिकायत पर FIR दर्ज हुई है। सिख समुदाय के खिलाफ बयानबाजी का आरोप लगाया गया है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी आरोप लगा है। अमेरिका में सिख समुदाय के खिलाफ बयान देने का आरोप लगा। बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बीजेपी नेता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। अमरजीत छाबड़ा की शिकायत पर FIR दर्ज हुई है। सिख समुदाय के खिलाफ बयानबाजी का आरोप लगाया गया और ये FIR अब रायपुर में भी दर्ज हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कोलकाता के दौरे पर रहेंगे, जहां कोलकाता में GIS की मीटिंग में शामिल होंगे। इसमें देश विदेश के कई उद्योगपति शामिल होंगे। मुख्यमंत्री औद्योगिक संगठनों से प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा भी करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कोलकाता का दौरा, जहां वो कोलकाता में GIS की मीटिंग में शामिल होंगे। एक तरह से निवेशकों से वो मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। देश विदेश के कई उद्योगपति क्योंकि इसमें शामिल होंगे, मुख्यमंत्री औद्योगिक संगठनों से प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कोलकाता के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संबंधित क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में समुचित तरीके से निवेश आए इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। जिस तरीके से इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई, पहले उज्जैन में कॉन्क्लेव हुआ, उसके बाद जबलपुर, उसके बाद ग्वालियर में, तो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जिस तरीके का निवेशकों ने मध्य प्रदेश के प्रति अपना उत्साह जताया है, उसको लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार भी खासी उत्साहित नजर आ रही है। और आगामी फरवरी में 2025 में GIS ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग राज्यों का, बड़े शहरों का दौरा कर रहे हैं और वहां के जो उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए सबसे मुफीद इलाका हो सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से चाहे उज्जैन की बात हो, ग्वालियर की बात हो या फिर जबलपुर की बात हो, यहां पर भी बड़ी संख्या में निवेशक पहुंचे थे। न केवल भारत के निवेशक बल्कि विदेश के निवेशक जब यहां पहुंचे तो यहां की जो परिस्थितियां थी उसको देखकर उन्होंने काफी खुशी जताई थी और काफी लंबा इन्वेस्टमेंट भी यहां पर करने की बात हुई है। तो ऐसे में अब जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है जिसमें पूरे देश भर से उद्योगपति तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन विदेश के डेलीगेट्स भी यहां पर आने वाले हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें आपके लिए उपलब्ध है, निवेशकों के लिए किस तरह की सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध करा पा रही है, और या ये कहे कि रॉ मटेरियल किस तरीके से मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, उसको लेकर किस तरह का निवेश वो यहां पर कर सकते हैं, किस तरह के उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। आज वो कलकत्ता के दौरे पर है। कलकत्ता में जो व्यापारिक संगठन है उसके प्रतिनिधियों से वो मुलाकात करेंगे। सुबह 9 बजे कलकत्ता के लिए रवाना होंगे, 11 बजे वो कोलकाता पहुंचेंगे और वहां पर जो है वो दिन भर उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल की बैठक भी होगी, डिनर पर भी चर्चा होगी, तो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके साथ मीटिंग करने वाले। निश्चित तौर पर
फरवरी 2025 में जो जीआईएस मध्य प्रदेश में होने वाला है उससे मध्य प्रदेश सरकार को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल जो अभी जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए हैं उसमें जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है तो उम्मीद है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश को अच्छा खासा निवेश मिल सकता है। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि ये दौरा इसी लिहाज से रखा गया है, निवेशकों से कैसे बातचीत करना है, निवेशकों से कैसे मिलना जुलना है, ये बखूबी जानते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और इससे पहले बैंगलोर में भी उन्होंने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज अहम बैठक होगी, मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो वहीं 1 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी पर बड़ा फैसला हो सकता है, निकाय चुनाव और ट्रांसफर नीति पर भी निर्णय हो सकता है। तो वहीं इसके अलावा साय सरकार की ओर से 9 महीने में की गई कई घोषणाओं पर मुहर लग सकती है। इनमें हिंदी में MBBS की पढ़ाई, मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क बोर्डिंग पढ़ाई और तीर्थ यात्रा योजना जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर साय कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी, मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, 1 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी पर बड़ा फैसला हो सकता है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज साय कैबिनेट की जो अहम बैठक होगी उसमें किन चीजों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी, कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो पेश किए जाएंगे? जी देखिए अंशिका, साय कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी और 11 बजे बैठक है वो जो नया रायपुर है उसमें शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सबसे खास बात यही है कि मानसून का सीजन है, कई जिले ऐसे हैं जहां कम बारिश हुई है तो वहां के किसानों को किस तरह की दिक्कत है, फसलों को कितना नुकसान हुआ है, उत्पादन कितना प्रभावित होगा, ये एक मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा अभी आने वाले समय में नगरीय निकाय का चुनाव होना है, इससे पहले जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते थे, तो क्या इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया जाएगा, इस पर भी सहमति रायशुमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो मजदूर वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई अध्यापन को लेकर के किस तरह की व्यवस्था है वो कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। और अहम बात यही है 1 नवंबर से बम्पर धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार है वो करती है, तो उसके लिए रणनीति है वो बनाई जा सकती है, जितने समिति हैं, धान खरीदी केंद्र हैं, उनको किस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं और धान समर्थन मूल्य पर लेना है, टारगेट क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर है वो हो सकती है। आने वाले समय में जो विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो उसमें भी कई अनुपूरक जो बजट है उस पर भी जो सहमति है, रायशुमारी है वो की जा सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब साय कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें मोदी की गारंटी से लेकर के जो स्थानीय जो लोगों की जो समस्या है, जो मांगे हैं और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास कार्य करने हैं, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा है वो हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत होगी और कई मुद्दों को, कई प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के भी आसार हैं। और अब आगे बढ़ेंगे जहां किसानों की समस्या को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज हल्ला बोलेगी। कांग्रेस सभी जिलों में एक साथ किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करेगी। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर में प्रदर्शन में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष धार में रहेंगे, कमलनाथ छिंदवाड़ा में किसान न्याय यात्रा में शामिल होंगे, तो भोपाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कमान संभालेंगे। सोयाबीन की MSP 6000 रुपए करने और धान की गेहूं की MSP बढ़ाने, साथ ही किसानों की कई मांगों को लेकर कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। पहले से ही कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकालने का फैसला लिया था, ऐलान किया था। किसानों की समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज हल्ला बोलेगी। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज कांग्रेस हल्ला बोल करने वाली है किसानों की तमाम जो समस्याएं हैं और जो मांगे हैं उसको लेकर।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछले सप्ताह ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस बात का ऐलान किया था कि एमएसपी नहीं मिल पा रही है किसानों को, चाहे वह गेहूं की बात हो, धान की बात हो, या हाल ही में जिस तरीके से सोयाबीन पर 4892 रुपए की एमएसपी घोषित की गई है। कांग्रेस का यह कहना है और किसान संघ का भी यह मानना है कि ये जो लागत है उसके आसपास ये एमएसपी है, किसानों को इस एमएसपी से कोई फायदा नहीं होने वाला है और ऐसे में उनकी एमएसपी को कम से कम 6000 रुपए किया जाना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर, चाहे खाद बीज की समस्या हो, नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर बात हो, या फिर ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति को लेकर बात हो, तो इन सब समस्याओं को लेकर, इन किसान से जुड़ी समस्याओं को लेकर कांग्रेस जो है लगातार सड़कों पर है। कल जिस तरीके से हमने देखा कि बुधनी में खुद जीतू पटवारी वहां पहुंचे तो एक बड़ा जोरदार प्रदर्शन वहां पर किया गया था, और आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ जो है ये प्रदर्शन किया जाना है। सभी तमाम दिग्गज जो नेता है आज वो सड़कों पर नजर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी की बात करूं भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी इंदौर में अगर मोर्चा संभालेंगे तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ रहेंगे, ग्वालियर में अगर बात करें तो अशोक सिंह हो या फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो डॉक्टर गोविंद सिंह रहने वाले हैं, अगर बात अगर भोपाल की मैं करूं तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया यहां पर रहने वाले हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एमएसपी धान और गेहूं पर बढ़ाने की बात जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी, लेकिन अब एक साल लगभग 9 महीने का समय बीत चुका है लेकिन अब तक एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है और इसी बात को मुद्दा जो है वो कांग्रेस बनाने में जुटी हुई है। हालांकि इसमें किसान जो संगठन है उनका भी कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से आज कांग्रेस अलग बोल करने वाली किसानों की तमाम जो मांगे हैं और एमएसपी बढ़ाए जाने की मांग भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां 4 साल के मासूम बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बच्चे की तलाश में पुलिस इलाके के 2 से 4 किलोमीटर परिधि के घरों की तलाशी ले चुकी है। एसडीआरएफ की टीम ने भी नाले में बच्चे की तलाशी की। पुलिस के 10 टीमें अलग अलग थानों में अलग अलग स्थानों पर बच्चे की तलाश में जुटी है और इस बीच सूचना देने वाले को बच्चे के पिता ने 1,00,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही इंदौर पुलिस को बच्चे की शुजालपुर में होने की सूचना मिली थी। शुजालपुर रेलवे स्टेशन पर बच्चे के दिखने की सूचना पर इंदौर पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन वहां भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 4 साल का मासूम अचानक से लापता हो गया और अब इसको ढूंढने के लिए तमाम थानों की पुलिस जुटी हुई है। परिजन परेशान हैं और जानकारी देने वाले को पिता ने 1,00,000 रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा भी की है, ऐलान किया है। कई जो नदी नाले हैं वहां पर भी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक हाथ खाली हैं। शुजालपुर में होने की बात कही गई थी, लेकिन शुजालपुर में जब इंदौर पुलिस पहुंची तो वहां पर भी बच्चे का कोई पता नहीं लग पाया। अभी तक तो ये पता चला है कि परिवार जनों और इनसे बात करके 2 से 2:30 बजे तक बच्चा यहीं पे था इनके घर वालों के साथ, और 10 से 15 मिनट की जो बीच में वो किसी का ध्यान उन पे से हटा और वो कहीं निकल गया। कुछ बच्चों को जो उसके साथ खेल रहा था उसका कहना है कि किसी खेलते खेलते गाड़ी के पीछे निकल गया, और बाकी के परिजनों का कहना है कि यहाँ पे भी एक कार्यक्रम चल रहा था और थोड़ा आगे इनके समाज के मंदिर है वहाँ पर भी लगभग 500-700 लोग थे, तो 1500 लोगों का एक कार्यक्रम था तो संभवतः उधर जा सकता है, और कुछ पास में कुछ निर्माणाधीन मकान है तो उसके बाहर भी खेलता हुआ देखा गया है, ऐसा वहाँ के मजदूरों ने बताया। तो इस पूरे इलाके में हम सर्चिंग कर रहे हैं, आसपास के सीसीटीवी कैमरों में तलाश कर रहे हैं और जल्दी इसको ढूंढ। जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र की एक रिहायशी कॉलोनी में सेना और जनता के बीच विवाद हो गया। मामला संजय गांधी वार्ड का है, जहां मकान के निर्माण को लेकर सेना के जवान एतराज करने के लिए पहुंचे थे और आरोप है कि सेना के जवानों ने मकान का निर्माण करने वाले परिवार के सदस्यों के साथ बदसलूकी की है। सूचना पर मौके पर पहुंचे वार्ड के पूर्व पार्षद अमरचंद बावरिया के साथ भी जवानों ने न केवल धक्का मुक्की की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की है। सेना के जवानों ने पूर्व पार्षद अमरचंद बावरिया को उठाकर आर्मी की गाड़ी में ले जाने का वीडियो भी सामने आया है। वही घटना का विरोध करने थाने पहुंचे स्थानीय लोगों और कांग्रेस के नेताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी सेना के जवानों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र की एक रिहायशी कॉलोनी में सेना और जनता के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि निर्माण को लेकर सेना के जवान एतराज करने पहुंचे और सेना के जवानों ने मकान का निर्माण करने वाले परिवार के सदस्यों के साथ बदसलूकी की।
8-10 मिलिट्री वाले थे, वो आए और एकदम से बदतमीजी करने लगे और मुझे उठा के लेके जा रहे थे गाड़ी में, उनकी मिलिट्री की गाड़ी थी वो, उनके जो भी ऑफिस था ब्रिगेडियर जी का। सर मेरा मकान बन रहेगा संजय गांधी नगर में, तो वो उनको किसी ने कंप्लेन की थी, तो वो उस चक्कर में मुझे उठा के ले जा रहे थे, मुझे धक्का दिया जिससे मेरे पैरों पे चोट आई है। का ये रहा होगा कि ये डिफेंस लैंड है, उसमें आर्मी वाले, ऐसा इनका कहना है कि आर्मी वाले आए और उन्होंने उस मकान को रोकने का जो भी हस्तक्षेप किया, तो उसमें इन्होंने स्थानीय जो पार्षद हैं अमरचंद बावरिया जी, उनका सहयोग लिया, वो गए वहाँ पर, तो उनके साथ भी आर्मी वालों ने बदतमीजी की है। बाकी ये अभी ये प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली ये है, और जो भी अभी उनको मुलाहिजा के लिए भेजा गया है, जो भी समत कार्रवाई होगी वो। और अब खबर सागर से है, जहां की जंगल में आर्मी के सिग्नल इंजीनियर का शव पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिला। माना जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। परिजनों ने एक युवती पर 2 साल से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अश्लील वीडियो के जरिए युवती 10 से 12 लाख रुपए ऐंठ चुकी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। देवेंद्र सेना में सिग्नल इंजीनियर के पद पर थे, वह 15 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। मृतक के परिजनों ने रहली निवासी कुछ लोगों पर नामजद ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में एक तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट यानी कि जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हो गई है।